भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकुर परिसर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संयुक्त मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित संयुक्त मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, कार्यकर्ता व बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। सभी अलग अलग संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। इस बार प्रदेश में 11 लोकसभा सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसकी तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। सभी प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक हुई थी, आज सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक है। ये सारी बैठकें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की दशा और दिशा बदली है, पिछले 2.5 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। इन सब कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदान केंद्र तक जा रहे हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।